नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज़ विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं राजस्थान जीके यानी राजस्थान जीके के टॉप 70 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि राजस्थान की प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एलडीसी, ग्राम सेवक, वन पाल, वन रक्षक, प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रदेश कहलाता है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रदेश कहलाता है मध्य अरावली, हाड़ौती का पठार, बनास का मैदान या फिर माही बेसिन। तो राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी प्रदेश है वो कहलाता है हाड़ौती का पठार। आंसर हो जाएगा ब, हाड़ौती का पठार। यानी हाड़ौती क्षेत्र में कितने जिले आते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो हाड़ौती जिले में 4 जिले आते हैं, कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये 4 जिले हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं और दक्षिणी पूर्वी प्रदेश जो है वो हाड़ौती का पठार होता है। आंसर हो जाएगा ब। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा जिला मरुस्थली प्रदेश में नहीं है, यानी इन चारों में से वो कौन सा जिला है जो मरुस्थल में नहीं गिना जाएगा? बाड़मेर, बीकानेर, सिरोही, जैसलमेर। तो मरुस्थली प्रदेश में नहीं आता है तो वो नहीं आता है सिरोही। आंसर हो जाएगा स, क्योंकि सिरोही किसका हिस्सा है? सिरोही जो है वो अरावली पर्वत कह सकते हैं, अरावली प्रदेश का हिस्सा है, इसलिए आंसर हो जाएगा स। मरुस्थल प्रदेश में और कौन से जिले आते हैं, जैसे बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, गंगानगर, ये सभी किस में आ जाएंगे? मरुस्थली प्रदेश में आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, भरतपुर जिला किस भौगोलिक प्रदेश में है? भरतपुर जिला किस भौगोलिक प्रदेश में आता है? अरावली में आता है, हाड़ौती में, शुष्क प्रदेश में या फिर पूर्वी मैदान में? तो जो भरतपुर जिला है वो आता है पूर्वी मैदान में। आंसर हो जाएगा इसका द, पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान में और कौन से जिले आते हैं? तो पूर्वी मैदान में आते हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये सभी किस में आते हैं? भरतपुर वगैरह ये सब आते हैं पूर्वी मैदान में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, माउंट आबू पर स्थित झील का नाम क्या है? माउंट आबू पर जो स्थित झील है उसका नाम क्या है? आनासागर झील है, नक्की झील है, पिछोला झील है या फिर सिलीसेड झील है? तो पूछा है माउंट आबू पर स्थित, तो वो हो जाएगी नक्की झील। इसका आंसर है ब, नक्की झील। नक्की झील माना जाता है कि यह देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर बनाई थी, इसलिए इसको नक्की झील कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 है, प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष किस नदी के रूप में है? यानी जो प्राचीन सरस्वती नदी है उसका अवशेष किस नदी के रूप में माना है या देखा जाता है? तो घग्गर, चंबल, माही या बनास। तो प्राचीन नदी है उसको घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा अ, घग्गर नदी। इस नदी को, घग्गर नदी को नट, पाट आदि नदियों के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी अरावली की नहीं है? प्रश्न है कि इनमें से कौन सी श्रेणी अरावली की नहीं है? अचलगढ़, मुकुंद्रा, ये मुकुंद्रा है, कुंभलगढ़ और नाग पहाड़। तो इनमें से जो मुकुंद्रा पहाड़ी है या पर्वत श्रेणी है यह अरावली की नहीं होकर किसकी हो जाएगी? ये हाड़ौती की है, यानी जो हाड़ौती का पठार है वहाँ की पर्वत श्रेणी मानी जाती है। तो आंसर क्या हो जाए इसका? ब, मुकुंद्रा। अगला प्रश्न देखिए, सामंत व्यवस्था मूलतः थी, सामंत व्यवस्था मूलतः थी वैवाहिक संस्था, सांस्कृतिक संस्था, प्रशासनिक सैनिक संस्था या व्यवस्था या फिर सामाजिक संगठन। तो जो सामंत व्यवस्था थी वो थी प्रशासनिक सैनिक व्यवस्था। कौन सी थी? प्रशासनिक सैनिक व्यवस्था। सामंत कौन होते थे? राजा होता था, राजा से नीचे सामंत होते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स, प्रशासनिक सैनिक व्यवस्था। अगला प्रश्न देखिए, सामंत जागीर पर सामंत का अधिकार था, सामंत जागीर पर सामंत का अधिकार था, जन्मजात होता था, दान में प्राप्त होती थी, किराएदार होते थे या वेतन के रूप में होते थे? तो सामंत जागीर पर जो सामंत का अधिकार होता था वो होता था जन्मजात अधिकार। आंसर हो जाएगा अ, जन्मजात। अगला प्रश्न देखिए, सामंत व्यवस्था, सामंत प्रशासन का मूल स्वरूप था, टेंट के समान, घर के समान, पद सोपान या फिर पिरामिड के समान। तो जो सामंत प्रशासन का मूल स्वरूप होता था वो टेंट के समान होता था, तो इसका आंसर हो जाएगा अ, टेंट के समान। अगला प्रश्न देखिए,
राजा के उत्तराधिकारी निश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभाते थे, यानी राजा के उत्तराधिकारी निश्चित करने में निर्णायक भूमिका कौन निभाते थे? भौमिया निभाते थे, मुत्सद्दी निभाते थे, सामंत निभाते या फिर चारण भाट निभाते थे? तो राजा के उत्तराधिकारी निश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभाते थे वो मुत्सद्दी निभाते थे, और मुत्सद्दी को क्या कहा जाता है, कह सकते हैं हाकिम, सॉरी मुत्सद्दी को अधिकारी भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुत्सद्दी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, इसका आंसर क्या था, ब, है ना। एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं था, राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत है या रियासत थी जहां पर उत्तराधिकारी शुल्क नहीं था? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर। तो वह रियासत थी जैसलमेर, ब आंसर हो जाएगा, जहां पर उत्तराधिकारी शुल्क नहीं होता था, बाकी रियासतों में होता था। आज़ादी के पहले राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थीं? तो 19 रियासतें थीं, यानी कि 19 में से जैसलमेर में शुल्क नहीं लिया जाता था, तो बाकी जो 18 बची है उनमें उत्तराधिकारी शुल्क लिया जाता था। खालसा में न्याय का कार्य करते थे, खालसा में न्याय का कार्य कौन करते थे? हाकिम करते थे, जागीर करते थे, भौमिया करते थे या मुत्सद्दी करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हाकिम के द्वारा न्याय का कार्य किया जाता था। अगला प्रश्न देखिए, बापीदार किसान, बापीदार किसान अपने खेत के स्वामी होते थे, खेत में सेवक होते थे, खेत पर किराएदार होते थे या फिर चौकीदार होते थे? तो जो बापीदार किसान है वो खुद अपने खेत के स्वामी होते थे, आंसर हो जाएगा अ। अब किसान और कृषक, यानी कृषक या किसान, दो प्रकार के बताए गए हैं, कौन कौन से? एक होता है बापीदार किसान, एक होता है गैर बापीदार किसान। बापीदार किसान वो होते थे जो खुद अपने खेत के मालिक होते थे, और गैर बापीदार किसान वो होते थे, यानी कि जैसे खेतिहर मजदूर होते हैं ना, वो गैर बापीदार मजदूर होते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, बापीदार किसान अपने खेत के स्वामी होते थे, इसलिए इसका आंसर है अ। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्यों पर निर्भर रहता है या करता है? राज्य की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्यों पर निर्भर करता है? 76.6%, 75.6%, 65% या 70%? तो इसका आंसर हो जाएगा 76.6%, जो कह सकते हैं जनसंख्या व कृषि कार्यों पर निर्भर रहती थी। कृषि कार्य यानी बहुत सारे खेती करते थे और बहुत सारे खेती में काम करते थे, यानी खेतिहर मजदूर होते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अ, 76.6%। अगला प्रश्न देखिए, भारत में उदारीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1990-91 से, 1991 से 92 तक, 1992 से 93 या 1993 से 94? तो इसका आंसर हो जाएगा, उदारीकरण का दौर जो माना जाता है वो माना जाता है 1991 से 92 तक। उदारीकरण के साथ ही निजीकरण भी आया था, ओके, ये याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, राज्य की किस देश के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? राज्य की किस देश के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? नेपाल के साथ, चीन के साथ, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान? तो राज्य की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो वो आ जाए, हो जाएगा द, पाकिस्तान के साथ, ओके, क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान से कितने जिले लगते हैं? तो लगते हैं 4। कौन कौन से, ट्रिक देखो, GBJB, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। कितनी लगती है? तो वो लगती है 1070 किलोमीटर। यहाँ पर क्या पूछा गया, राज्य की किस देश के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो आंसर है द, पाकिस्तान। अगर राज्य की जगह देश होता तो देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? तो उसका आंसर हो जाता बांग्लादेश। तो इसका आंसर क्या है, द, पाकिस्तान। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 2011 के अनुसार पूछा है, तो कितनी हो जाएगी, 121 करोड़। कितनी हो जाएगी, 121 करोड़, इसका आंसर है। और राजस्थान की कितनी है? तो राजस्थान की है 6.86 करोड़, ओके, आंसर क्या है, ब, 121 करोड़। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, तो हो जाएगा सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और सबसे छोटा है गोवा। बड़ा राजस्थान, गोवा छोटा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा या फिर मिजोरम? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो हो जाएगा सिक्किम, इसका आंसर है, यानी कि ब, सिक्किम।
अब सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी यूपी की। ओके, क्षेत्रफल में बड़ा राजस्थान, छोटा गोवा, जनसंख्या में बड़ा यूपी, छोटा सिक्किम, ये बातें याद रखनी है आपको। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या में स्थान निम्न में से है। जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या में पूछा है, आठवां, दूसरा, आठवां, सातवां, तो इसका आंसर हो जाएगा आठवां, यानी स आठ यहाँ पर भी है और आठ यहाँ पर भी है, तो राजस्थान का स्थान है आठवां। ओके, आठवां आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है कितना है, 933, 926, 898 या 861, तो लिंगानुपात कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 826, आंसर हो जाएगा ब 926 है ना, 926। अगला प्रश्न देखिए, मुदालियर आयोग का गठन किया गया, कब किया गया, 1948 में, 1949 में, 1952 में या 1956 में, तो मुदालियर आयोग का जो गठन किया गया है वो किया गया 1952 में, आंसर हो जाएगा स 1952। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा किस सूची का विषय है, राज्य सूची का, संघ सूची का, विशेष सूची का या संवर्ती सूची का, तो जो शिक्षा जो है वो हो जाएगा संवर्ती सूची का विषय होती है शिक्षा, आंसर हो जाएगा द संवर्ती सूची। अगला प्रश्न देखिए, टेलीमेडिसिन योजना का उद्घाटन किया गया, कहाँ किया गया, भीलवाड़ा से, झालावाड़ से, बांसवाड़ा से या फिर उदयपुर से, तो टेलीमेडिसिन योजना का जो उद्घाटन है वो झालावाड़ से किया गया, इसका आंसर है ब झालावाड़। कब किया गया, तो ये किया गया था 14 फरवरी 2006 में इसका उद्घाटन किया गया था, कहाँ से, झालावाड़ से। अगला प्रश्न देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष उपभोक्ताओं को दिया गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष उपभोक्ताओं को दिया गया है, 1990, 1985, 1986 या 1980, तो इसका आंसर हो जाएगा 1986, आंसर है स। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन को शामिल किया गया है, वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें गरीबी उन्मूलन को शामिल किया गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना या फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना, तो इसका आंसर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन को शामिल किया गया है, आंसर है ब पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन को किस सूची में रखा गया है, भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन को किस सूची में रखा गया है, राज्य सूची में, केंद्रीय सूची में, अनुसूची में या फिर संघीय सूची में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राज्य सूची में, यानी स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची में रखा गया है, आंसर है अ राज्य सूची। यानी कि स्थानीय स्वशासन के दो भाग है, एक है नगरीय स्वशासन और एक है ग्रामीण स्वशासन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर दो, नगरीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, नगरीय पूछा है, स्थानीय जो स्वशासन संस्थाएं उनको कब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, 1991 में, 1992 में, 1993 में या 1994 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1993, यानी कि स इसका आंसर है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो वो हो जाएगा 74 है ना, 74 नगरी स्वशासन है और 73 ग्रामीण स्वशासन है, तो इसका आंसर क्या है, स 1993। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर चार, राजस्थान में सबसे पहले नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया, 1951 में, 1956 में, 1959 में, 1960 में, रहेगा 1951 में, इसका आंसर है 1951 में। ओके, यानी राजस्थान में सबसे पहले नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया 1951 में, लेकिन 1865 में आबू में सबसे पहले नगर पालिका स्थापित की गई थी। ओके, अगला प्रश्न देखिए, स्थानीय स्वायत्त शासन को कब प्रांतों की विषय सूची में रखा गया है, 1935 में, 1919 में, 1909 में या फिर 1939 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 में स्थानीय स्वशासन को प्रांतों की विशेष सूची में रखा गया है, तो आंसर हो जाएगा अ 1935। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर पाँच, कौन से भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया या दर्जा मिला, भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नगरीय स्थानीय स्वशासन पूछा है, तो उसका आंसर हो जाएगा 74वें संविधान संशोधन से, यानी आंसर है ब।
अगर नगरी की जगह ग्रामीण होता तो उसका आंसर हो जाता 73वें संविधान संशोधन से, लेकिन इसका आंसर क्या है, बस 74वें संविधान संशोधन से। अगला प्रश्न है, राजस्थान में छावनी मंडल स्थानीय शासन कहाँ स्थित है, केकड़ी में, अजमेर में, नसीराबाद में या फिर ब्यावर में। तो इसका आंसर हो जाएगा नसीराबाद में, और नसीराबाद कहाँ पड़ता है, अजमेर में, लेकिन आंसर होगा इसका स नसीराबाद में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कितने विकास प्राधिकरण हैं, 2, 5, 3, 7 विकास प्राधिकरण पूछा है, तो वो हो जाएंगे 2, यानी अ इसका आंसर हो जाएंगे। अब 2 कौन कौन से हैं, तो वो है जयपुर और एक है जोधपुर, जयपुर और जोधपुर, यानी आंसर है 2, और दोनों जयपुर जोधपुर विकास प्राधिकरण राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का या 2 वर्ष का। तो नगर पालिका का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, आंसर हो जाएगा स। शहरी निकायों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, 21%, 33%, 50% या फिर 15%। तो इसका आंसर हो जाएगा शहरी निकायों में महिलाओं को जो प्रतिशत दिया गया है वो दिया गया है 33%, इसका आंसर है यानी कि ब। वैसे 33.33 इसका आंसर है, लेकिन यहाँ पे 33% दिया गया है तो हमें यही मानना होगा आंसर है ब। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कितनी नगर परिषदें हैं, 9, 5, 13, 7 नगर परिषदें पूछा है, कितनी हैं, तो वो हो जाएगी 13, यानी इसका आंसर हो जाएगा स 13। नगर निगम कितने हैं, तो नगर निगम है 5, कितने हैं नगर निगम 5, और नगर पालिकाएँ कितनी हैं 66। ओके, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण है वनोन्मूलन, अनियंत्रित पशुचारण, वर्षा की कमी या उपर्युक्त सभी। तो मरुस्थलीकरण का जो कारण हो जाएगा वो उपर्युक्त सभी हो जाएगा, इसका आंसर द, यानी वनोन्मूलन भी है, अनियंत्रित पशुचारण भी है, और वर्षा की कमी भी इसका कारण है, आंसर है द, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, पाली में रंगाई छपाई उद्योग में कौन सा प्रदूषण होता है, पाली में रंगाई छपाई उद्योग से कौन सा प्रदूषण होता है, वायु, जल, ध्वनि या उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा पाली में रंगाई छपाई उद्योग से जो प्रदूषण होता है वो होता है जल प्रदूषण, आंसर है ब, जल प्रदूषण। अगला प्रश्न देखिए, चंबल नदी सबसे अधिक कहाँ प्रदूषित है, गांधी सागर बांध पर, धौलपुर क्षेत्र में, कोटा के निकट या जवाहर सागर में या सागर पर। तो आंसर हो जाएगा इसका चंबल नदी सबसे अधिक कहाँ प्रदूषित है, तो आंसर है स, कोटा के निकट। क्यों, क्योंकि कोटा एक शहरी क्षेत्र है और कोटा में बहुत सारे उद्योग नियंत्रित चल रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कोटा के निकट, आंसर है स। अगला प्रश्न देखिए, जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा से कौन सा रोग होता है, फ्लू, उल्टी दस्त, फेफड़ों के रोग या फ्लोरोसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा से रोग जो होता है वो होता है फ्लोरोसिस रोग होता है। अब फ्लोरोसिस रोग से क्या होता है, कुबड़पन आता है, दांतों में सड़न पैदा होती है और हड्डियों की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, किससे, फ्लोरोसिस रोग से। ओके, अगला प्रश्न देखिए, डार्क जोन किसे कहते हैं, जलविहीन क्षेत्र को, भूजल की संकट की स्थिति को, झीलों के सूखने को या फिर नदी के सूखने को। तो इसका आंसर हो जाएगा डार्क जोन क्षेत्र जिसे कहा जाता है वो होता है भूजल की संकट की स्थिति को डार्क जोन कहा जाता है, भूजल की संकट की स्थिति को डार्क जोन कहा जाता है। भूजल यानी हेडपम्प से जल, ट्यूबवेल से जल वगैरह, ये होता है भूजल, इनकी स्थिति जो संकट की स्थिति है उसे हम कहते हैं डार्क जोन। अगला प्रश्न है, सेम की समस्या का संबंध किस प्रदेश से है, सिंचित क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से, औद्योगिक क्षेत्र से या फिर वनों से। तो सेम की समस्या का संबंध जो है वो सिंचित क्षेत्र से, आंसर हो जाएगा अ, सिंचित क्षेत्र से। सिंचित क्षेत्र कहाँ, यानी कि सेम की समस्या सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में है, तो जो इंदिरा गांधी नहर का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये समस्या सर्वाधिक है। उनमें भी 3 जिले आते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बाड़मेर, उसमें भी आते हैं सूरतगढ़, बड़ोपल, रावसल, लूणकरण सर, ये स्थान इसमें आते हैं जहाँ पर सेम की समस्या होती है। अगला प्रश्न देखिए, हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध है, हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध है यानी किससे है, कृषि से है, वृक्षारोपण से है, जल संरक्षण से है या पशुपालन से है। तो हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध है ब, आंसर हो जाएगा इसका वृक्षारोपण से, किससे है, वृक्षारोपण से। अगर यहाँ पे हरित क्रांति लिखा होता तो उसका संबंध कृषि से हो जाता, लेकिन यहाँ पे हरित राजस्थान लिखा है तो उसका संबंध वृक्षारोपण से होता है। अगला प्रश्न देखिए,
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पूरे देश में कब से लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पूरे देश में कब से लागू हुआ? 15 जून 2006 से, 15 जून 2005 से, 12 अक्टूबर 2005 से, या फिर 12 अक्टूबर 2006 से। तो जो सूचना का अधिकार है पूरे भारत में या पूरे देश में लागू हुआ वो हुआ था 12 अक्टूबर 2005 से। आंसर इसका स 12 अक्टूबर 2005 से। लेकिन पूरे भारत में लागू हुआ लेकिन एक स्टेट को छोड़ा गया था, वो था जम्मू कश्मीर। यानी जम्मू कश्मीर को छोड़कर 2005 में पूरे देश में सूचना का अधिकार लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, दुनिया में सूचना का अधिकार कानून कितने देशों में लागू है? 60 देशों में, 70 देशों में, 90 देशों में, 80 देशों में। तो इसका आंसर हो जाएगा 70 देशों में। कितने देशों में? 70 देशों में सूचना का अधिकार कानून वो लागू है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे पहला देश सूचना का अधिकार प्रदान करने वाला है? कौन सा देश है जिसने सबसे पहले सूचना का अधिकार प्रदान किया? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर स्वीडन। दुनिया का सबसे पहला देश सूचना का अधिकार प्रदान करने वाला है तो वो हो जाएगा स्वीडन। आंसर है द स्वीडन। कब किया? 1766 ईस्वी में। यानी 1766 में ही स्वीडन ने सूचना का अधिकार प्रदान कर दिया था। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस राज्य पर लागू नहीं होता? कर्नाटक पर, उड़ीसा पर, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। तो जस्ट हमने ऊपर देखा था कि 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में सूचना का अधिकार लाया गया था लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं लाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा स जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार या सूचना आयोग अधिकारी पर अधिकतम कितना आर्थिक दंड आरोपित कर सकता है? सूचना आयोग अधिकारी पर अधिकतम कितना आर्थिक दंड आरोपित कर सकता है? 250 रुपये, यानी 250 रुपये, 350 रुपये, 2500 रुपये या फिर 25,000 रुपये। तो इसका आंसर हो जाएगा, अधिकतम पूछा है तो अधिकतम तो होता है 2500 रुपये यानी 2500 रुपये, और न्यूनतम होता है 250 रुपये। ओके, प्रतिदिन का होता है 250 रुपये और अधिकतम होता है 2500 रुपये यानी कि 250 रुपये, सॉरी 2500 रुपये। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार कानून धारा 6(1) में क्या बात कही गई है? सूचना का अधिकार यानी जो कानून है धारा 6 उसका 1 भाग जो है उसमें क्या कहा गया है? आवेदन शुल्क की बात कही गई है, दंड के प्रावधान की बात कही है, राज्य सूचना आयोग की बात कही गई है या फिर लोकहित की बात कही गई है? तो उसमें बात जो कही गई है वो आवेदन शुल्क की बात की गई है। आंसर हो जाएगा आवेदन शुल्क की। लेकिन आवेदन शुल्क जो है राजस्थान में कितना माना गया है या कितना लिया जाता है? तो वो लिया जाता है 10 रुपये ओनली राजस्थान में, बाकी अलग अलग स्टेट में अलग अलग आवेदन शुल्क लिया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सूचना दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सूचना दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? 15 जून 2005 को, 12 अक्टूबर 2005 को, 28 सितंबर 2005 को या फिर 28 सितंबर 2006 को। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 सितंबर 2016 को। यानी ये सारे ऑप्शन गलत है। अंतर्राष्ट्रीय सूचना दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था 28 सितंबर 2016 को। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पर्शता का निषेध करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पर्शता का निषेध करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 29। तो इसका आंसर हो जाएगा स अनुच्छेद 17 अस्पर्शता का निषेध करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? भारतीय संसद द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1993, 1954, 1984 या फिर 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा 1993। आंसर है अ, यानी 1993 में भारतीय संसद द्वारा मानव अधिकार अधिनियम पारित किया गया। अगला प्रश्न है, धरती धोरारी की रचना किसने की थी? कन्हैया लाल सेठिया ने, पंडित रविशंकर ने, अल्लाह जिलाबाई ने या फिर आनंद बख्शी ने। तो धरती धोरारी की रचना किसने की थी? तो वो की थी कन्हैया लाल सेठिया ने। आंसर हो जाएगा अ। अगला प्रश्न है, लठमार होली कहाँ खेली जाती है? जोधपुर में, श्री महावीर जी में, कोटा में या उदयपुर में। तो जो लठमार होली खेली जाती है वो खेली जाती है श्री महावीर जी में। ये किसका स्थान है? तो ये जैन तीर्थ स्थल है ना।
जैन तीर्थ स्थल है कौन श्री महावीर जी का स्थान और यहाँ पर लठमार होली खेली जाती है। अब ये बताना जो श्री महावीर जी मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला प्रश्न, कौन सा त्यौहार प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है। किस त्यौहार को प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण माना जाता है, दिवाली को, रक्षाबंधन को, तीज को या फिर ईद को। तो इसका आंसर हो जाएगा तीज। तीज ऐसा त्यौहार है जिसे प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण माना जाता है और तीज की जो सवारी है कहाँ पर निकलती है, वो निकलती है जयपुर में। ओके, अगला प्रश्न है, अबू सावे का दिन कौन सा है, 14 जनवरी, श्रावण की सप्तमी, चैत्र शुक्ला नवमी या फिर अक्षय तृतीया। अबू सावे का दिन जो होता है वो होता है अक्षय तृतीया, यानी अक्षय तृतीया को अबू सावे का दिन कहा जाता है। आंसर हो जाएगा द अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आखा तीज भी कहते हैं। इस दिन बाल विवाह सबसे ज़्यादा होते हैं। इस दिन बीकानेर की स्थापना हुई थी, यानी कि ये बीकानेर का स्थापना दिवस भी माना जाता है। कौन सा? अक्षय तृतीया। तो अबू सावे का दिन कौन सा होगा? वो होगा अक्षय तृतीया। आंसर है द। अगला प्रश्न है, कसुमल रंग का अर्थ है। कसुमल रंग का अर्थ क्या होता है? लाल रंग, काला रंग, नीला रंग या पीला रंग। तो जो कसुमल रंग है वो लाल रंग को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा अ, लाल रंग। अगला प्रश्न है, राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना इस वर्ष हुई, यानी कि राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? 1958, 1980, 2000 या फिर 2011। तो इसका आंसर हो जाएगा 1958 में राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भील आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था, यानी कि राजस्थान में जो भील आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? मोहनलाल सुखाड़िया, मोतीलाल तेजावत, महेश कुमार और भीकाबाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ब, मोतीलाल तेजावत, यानी मोतीलाल तेजावत के द्वारा भील आंदोलन का नेतृत्व किया गया। भील आंदोलन का भौमट आंदोलन भी कहा जाता है, यानी कि भौमट भील आंदोलन कहा जाता है। अगला प्रश्न, कन्हैयालाल सहल की पहली काव्य कृति का नाम था। कन्हैयालाल सहल की पहली काव्य कृति का नाम था पृथ्वी, राजस्थान, प्रयोग या गोदान। तो इसका आंसर हो जाएगा स, प्रयोग। प्रयोग कन्हैयालाल सहल की पहली काव्य कृति मानी जाती है। अगला प्रश्न, हरीश भादानी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था। हरीश भादानी ने जो पत्रिका संपादित की उसका नाम था लहर, बिंदु, मधुमति या फिर वातायन। तो इसका आंसर हो जाएगा द, वातायन। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी इस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, किसमें हुई थी, यानी कि उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, सरस्वती में, धर्मयुग में, इंडिका टुडे या फिर राजस्थान पत्रिका में। तो इसका आंसर हो जाएगा अ, सरस्वती पत्रिका में उसने कहा था। एक कहानी है जो कि प्रकाशित की गई थी, ये कहानी किसकी है? तो ये कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। कब प्रकाशित की गई थी? तो ये की गई थी 1915 में। अगला प्रश्न है, भवानी नाट्यशाला किस शहर में है? जयपुर में, झालावाड़ में, उदयपुर में या फिर बीकानेर में। तो भवानी नाट्यशाला जो है वो झालावाड़ में है। आंसर हो जाएगा इसका ब, झालावाड़। अगला प्रश्न है, राजस्थानी जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का शंखनाद इस कवि ने किया, यानी किस कवि ने राजस्थानी जनमानस में राष्ट्रीय चेतना, जो राष्ट्रीय चेतना है वो उजागर करी। आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, सूर्यमल मिश्रण या फिर गुलजार। तो आंसर है स, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा राजस्थानी जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का विकास किया गया। अगला प्रश्न है, 56 के दुष्काल का चित्रण करने वाले कवि का नाम है। शैलेंद्र अघे, महादेव वर्मा या उमर दान। तो 56 के दुष्काल का चित्रण करने वाले कवि का नाम है उमर दान। आंसर हो जाएगा द, उमर दान। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, धरती धोरारी किस कवि की रचना है, जस्ट ऊपर भी आया था। कन्हैयालाल सेठिया, गजानन वर्मा, विजयदान देता या नंद भारद्वाज। तो इसका आंसर हो जाएगा अ, कन्हैयालाल सेठिया। क्या आंसर है इसका? अ, कन्हैयालाल सेठिया। और आज का आखिरी प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, राजस्थान में इस भाषा की अकादमी नहीं है, यानी कि राजस्थान में किस भाषा की अकादमी नहीं है, हिंदी, गुजराती, राजस्थानी या ब्रज। तो आंसर हो जाएगा इसका ब, गुजराती भाषा की राजस्थान में कोई भी अकादमी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये टोटल 70+ प्रश्न हैं, इन्हें करिए और अपने कितने सही होते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।
मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द ही मिल जाए। और एंड तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।